आवाज आ रही है ना प्रीति? ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ मैं। जो हमारा फाइलेरिया होता है, जिसे हम पहाती पाँव बीमारी भी कहते हैं, ये हमारे मच्छरों के काटने से फैलती है। ठीक है, ये जो फाइलेरिया डिसीज़ होती है, ये हमारे इसमें हमारा लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है वो इन्फेक्टेड होता है, इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जो फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया जो एक डिसीज़ है, वो हमारे क्रॉनिक डिसीज़ होती है, जो क्या होती है, मच्छरों के काटने से फैलती है। ठीक है, ये जो इन्फेक्शन होता है, इसमें क्या होती है, हमारी जो बॉडीज़ होती है वो स्वेल्ड हो जाती है। ठीक है, अब इसकी इटियोलॉजी की हम बात करें तो जनरली जो हमारा फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया को मेनली थ्री स्पीसीज में डिवाइड किया गया। ठीक है, थ्री स्पीसीज जो हमारा फाइलेरिया होता है वो हमारे नेमेटोड की कैटेगरी में रखा गया है। नेमेटोड की कैटेगरी में रखने के कारण हम इसे नेमेटो हेलमिंथ भी कहते हैं। ठीक है, तो जो फाइलेरिया है, ये हमारा एक पैरासाइट है, जिसे हम नेमेटो हेलमिंथ की कैटेगरी में रखा गया है, जिसे हम नेमेटो हेलमिंथ भी कहते हैं। ठीक है, अब ये पैरासाइट जो होते हैं, इसे हम वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टी, ब्लूगी मलाई एंड ब्लूगी टिमोरी के नाम से भी जानते हैं। मतलब इसकी जो फाइलेरिया की ये तीन स्पीसीज होती है, वो तीन स्पीसीज है, वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टी, ब्लूगी मलाई एंड ब्लूगी टिमोरी। ये तीनों स्पीसीज जो होती हैं वो फाइलेरियासिस डिसीज कॉज करने के लिए कैपेबल होती हैं। देन ये डिसीज़ जो होती है, ये मच्छर के काटने से ट्रांसमिट होती है, यानी कि मास्किटो से ट्रांसमिट होती हैं। तो वो मास्किटो कौन कौन से होते हैं, तो इसमें फाइव मास्किटोज जो होते हैं, उनकी स्पीसीज़ है, उनके जीनस है, उनके थ्रू ये क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। तो वो फाइव जीनस कौन कौन से हैं मास्किटो की, यानी कि वो फाइव प्रजातियाँ कौन सी मच्छर की जिनके काटने से फाइलेरिया होता है। तो उसमें इंक्लूड है हमारा एडिस, एनाफिलीज, क्यूलिस, मानसोनिया एंड ओकिलियोटस। जो मॉस्किटोज होता है वो फाइलेरिया डिसीज स्क्वेज करने के लिए कैपेबल होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी की। तो इसकी एपिडेमियोलॉजी जो होती है, उसके बेसिस पर हम इसकी बात करें तो 120 मिलियन जो पीपल होते हैं वो फाइलेरियासिस डिसीज से क्या है, अफेक्टेड है। ठीक है, इसमें 72 कंट्रीज जो होती है वो इन्फेक्टेड है हमारे फाइलेरिया डिसीज से। पूरे वर्ल्ड में पाई जाने वाली बीमारी होती है, या स्पेशली हमारे ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स रीजन में पाई जाती है। ठीक है, ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स रीजन में हमारे कहाँ कहाँ पर ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारे प्रेजेंट होती है जनरली इंडिया, वेस्ट इंडिया, जापान, पैसिफिक आइलैंड, सेंट्रल सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में प्रेजेंट होती है। उसके अलावा इंडिया में प्रेजेंट होती है, इंडिया में जनरली, या हमारे तमिलनाडु में प्रेजेंट होती है। देन कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इन इंडिया देट आर फाउंड इन सी, एक मिनट, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक्स रीजन में। उसके अलावा इंडिया, वेस्ट इंडिया, जापान, पैसिफिक आइलैंड एंड वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका और साउथ अमेरिका में यह डिसीज़ जो होती है वो प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इंडिया में प्रेजेंट होती है सी कोस्ट एंड बैंक ऑफ बिग रिवर एंड राजस्थान, पंजाब, यूवी, यानी कि जो हमारी नदियाँ होती हैं उन नदियों के किनारों पर ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, और पंजाब, राजस्थान, यूपी और दिल्ली में भी वाउचेरिया ब्रैंकोफ्टी यानी कि फाइलेरिया जो डिसीज़ होती है वो हमारे प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम इसके हैबिटेट की बात कर लेते हैं, तो या इन्फेक्शन कहाँ कहाँ पर क्रॉस करती है। तो जो फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया का जो हैबिटेट है यानी कि कहाँ प्रेजेंट होता है, तो जनरली जो फाइलेरिया होता है वो हमारे लिम्फेटिक वेसल, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम, हमारे लिम्फेटिक नोड्स होते हैं उसके अंदर इन्फेक्शन क्वेस करने के लिए कैपेबल होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की। तो जो मॉर्फोलॉजी होती है फाइलेरिया की, फाइलेरिया को मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा एडल्ट वॉर्म। ठीक है, फर्स्ट एडल्ट वॉर्म होता है और सेकंड होता है हमारा लार्वा स्टेज। तो एडल्ट वॉर्म जो होता है उसमें कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो एडल्ट वॉर्म में मतलब ये डाइसियस इन नेचर का होता है। डाइसियस इन नेचर मतलब इसमें मेल और फीमेल प्रेजेंट होते हैं, जो कि दोनों ही सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं। सुनाई दे रहा है प्रीति, है ना? तो मैं इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, एक फीमेल होती है, ठीक है, और एक होता है मेल। ठीक है,
तो इसका जो मेल होता है वो कैसा होता है, बहुत छोटा सा होता है, और उसकी जो फीमेल होती है वो कैसी होती है, बड़ी होती है। ठीक है, तो अब और एक स्टेज इसमें प्रेजेंट होती है इसकी, लार्वा स्टेज। यानी कि मार्फोलॉजी को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक एडल्ट वॉर्म होता है और एक लार्वा स्टेज होती है। एडल्ट वॉर्म को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एडल्ट वॉर्म में आता है मेल और फीमेल। ये जो हमारा फाइलेरिया है वो डाइसेस इन नेचर का होता है, इसे हम नेमेटोड की कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए हम इसको नेमेटोहेलमिंथ भी कहते हैं। ठीक है, अब हम इसके एडल्ट फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो जो इसका जो एडल्ट फॉर्म है उसमें ये पूरा एडल्ट फॉर्म किसका, फाइलेरिया का। फाइलेरिया के एडल्ट फॉर्म में इसका एक तो मेल होती है और एक फीमेल होती है। ठीक है, ये इसका मेल है, ठीक है, और ये इसकी क्या है, फीमेल है। ठीक है, तो मेल छोटा होता है देन फीमेल बड़ी होती है। तो अब हम इसका जो एडल्ट वॉर्म होता है, ठीक है, एडल्ट वॉर्म की हम पहले बात कर लेते हैं। एडल्ट वॉर्म, ये इसका एडल्ट वॉर्म प्रेजेंट है। ठीक है, एडल्ट वॉर्म कैसा होता है, ये बहुत ही ज़्यादा फिन होता है, लॉन्ग होता है, अपने हेयर के समान, हमारे बालों के समान पतला होता है ये। ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसके आर पार हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, व्हाइट कलर का ये, क्रीम कलर का ये जो होता है फाइलेरिया वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका जो शेप है, इसके जो एंड है वो कैसे होते हैं, टैपर होते हैं। यानी कि एक एंड ये होता है और एक एंड ये होता है, तो इसके जो दोनों एंड होते हैं वो क्या होते हैं, टैपर होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, इसका जो टैपर एंड होता है, जो हेड वाला पोर्शन होता है, मतलब ये इसका हेड पोर्शन है, ये इसका हेड पोर्शन होता है, देन ये इसका टेल पोर्शन होता है। तो जो इसका हेड पोर्शन होता है वो स्लाइटली राउंडेड होता है, देन टेल पोर्शन जो होता है वो पॉइंटेड होता है। अब ये जो एडल्ट वॉर्म है, एडल्ट वॉर्म जो होता है वो डाइसेस इन नेचर का होता है, इसको दो कैटेगरी में बांटा है, मेल एंड फीमेल। डाइसेस है तो मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं और दोनों ही सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं। आगे हम देखें, ये इसका मेल है और इसकी फीमेल है। ठीक है, अब हम मेल की बात कर लेते हैं, मेल कैसा होता है। तो जो इसका जो मेल होता है उसका, उसके हम साइज़ की बात करें तो 2.5 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और 0.1 mm इसकी थिकनेस होती है। ठीक है, इसकी जो टेल एंड होती है, ये इसमें एक ऊपर वाला पोर्शन होता है उसका, है ना, और एक ये नीचे वाला, मतलब ये हेड पोर्शन हो गया और ये टेल का पोर्शन हो गया। तो जो इसकी टेल एंड होती है ना, वो कैसी होती है, हमारी वेंट्रली कर्व्ड होती है। ठीक है, मतलब ये घुमावदार होती है। इसके अंदर स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पिक्यूल्स का मतलब होता है कांटेनुमा संरचना, जैसे सुई जैसी नुकीली चीज़, जैसे कांटे होते हैं वैसे इसमें स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसके जो हमारा फाइलेरिया होता है, इस फाइलेरिया की हमारी लाइफ साइकिल कितनी होती है, मतलब एक बार अगर किसी ह्यूमन बींग्स के अंदर इसका इन्फेक्शन हो जाए तो वो कितने टाइम तक रहता है। तो इसका इन्फेक्शन जो होता है वो 5 से 10 साल तक रहता है। ठीक है, तो एडल्ट वॉर्म जो है उसकी लाइफ स्पेंस कितनी होती है, 5 से 10 साल की होती है। देन अब हम इसके फीमेल की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो फीमेल होती है वो 8 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, 0.2 से 0.3 mm इसका डायमीटर होता है, मतलब 8 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होगी और 0.2 से 0.3 mm के इसकी मोटाई होती है। ठीक है, इसकी जो टेल एंड होती है, ठीक है, ये किसका हेड एंड हो गया और ये उसकी टेल एंड हो गया, दो एंड प्रेजेंट होते हैं, एक हेड एक टेल। तो इसके जो टेल एंड होती है वो कैसी होती है, पॉइंटेड होती है, मतलब नुकीली होती है। ठीक है, और जो हेड एंड होता है वो स्लाइडली राउंडेड एंड टेपर होता है। ठीक है, ये जो फीमेल होती है, एडल्ट फीमेल होती है, वो क्या करती है, एक्टिव एम्ब्रियो को लिबरेट करती है, यानी कि एक्टिव बच्चे का निर्माण करती है। ठीक है, तो एक्टिव एम्ब्रियो जो है उसको लिबरेट करने के लिए जो होती है ये फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो अब इसमें हम इसके एम्ब्रियो की बात कर लेते हैं कि ये एडल्ट फीमेल है जो कि एक्टिव एम्ब्रियो लिबरेट करेगी। ठीक है, अब ये है हमारा माइक्रोफाइलेरिया का एम्ब्रियो। ठीक है, तो माइक्रोफाइलेरिया का एम्ब्रियो जो होता है वो कैसा होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है उसके अंदर, किस तरह से दिखाई देता है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं, है ना। तो जनरली क्या है हमारा, ये माइक्रोफाइलेरिया इजीली दिखाई दे रहा होगा, पेंसिल से बना हुआ है। ठीक है, इसका जो डायमीटर होता है, पूरा माइक्रोफाइलेरिया का जो डायमीटर होता है उसकी जो हम लेंथ की बात करें तो 2 से 90 μm इसकी लेंथ होती है और 6 से 7 μm इसकी ब्रिथ होती है।
ठीक है, 290 mm इसकी लेंथ और 2 से 7 mm इसकी ब्रेथ होती है, यानी यानी इसकी लंबाई कितनी होगी 290 mm की और 6 से 7 mm इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, उसके बाद हम इसे अनस्टेन कंडीशन में रखेंगे, यानी कि हम इसे स्टेन नहीं कर रहे हैं, हम इसे कलर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। जब हम इसे कलर करेंगे तो ये कैसा रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। ठीक है, इसके जो दोनों एंड होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसका जो हेड एंड होता है ये इसका हेड एंड है। ठीक है, तो ये कैसा होता है, पॉइंटेड होता है। ठीक है, इसका जो हेड एंड होता है वो थोड़ा सा ब्लंट होता है ना, मतलब हल्का सा चपटा होता है, थोड़ा सा राउंडेड होता है, और जो टेल एंड होती है वो पॉइंटेड होती है, यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है ना, तो टेल एंड पॉइंटेड होती है और हेड एंड जो होता है वो ब्लंट शेप या हल्का सा राउंडेड होता है। देन हम ये किस चीज़ की बात हो गई, जब हमने इसे स्टेन नहीं करा तो कैसा दिखेगा, ट्रांसपेरेंट दिखेगा, हेड एंड जो होता है उसका ब्लंट होता है, यानी कि चपटा होता है या फिर राउंडेड होता है हल्का सा, और जो टेल एंड होती है वो पॉइंटेड होती है। अब हम इसे स्टेन करेंगे तो स्टेन फिल्म में कैसा दिखाई देगा, तो जो हमारा फाइलेरिया होता है, फाइलेरिया क्या है, माइक्रो फाइलेरिया कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लिम्फेटिक सिस्टम यानी कि ब्लड में प्रेजेंट है, यानी क्या है, हमारा एक हीमोफ्लैजलेट की कैटेगरी में से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ब्लड में पाया जाता है, यानी कि किस में चला गया, कौन से ब्रांच में, हेमेटोलॉजी की ब्रांच में, तो इसे हम क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजिकल स्टेन होती है हमारी रोमेनोवेस्की स्टेन में, जैसे हमारे राइट स्टेन, लीशमान स्टेन, जिम्सा, चेम्बर, जेएसबी स्टेन, ये सारी स्टेन जो होती है हमारे रोमेनोवेस्की में आती है, तो हम इसे रोमेनोवेस्की स्टेन से, राइट, लीशमान, जिम्सा, चेम्बर, जेएसबी, कोई सी भी स्टेन के थ्रू हम इसे स्टेन कर सकते हैं, यानी क्या करना है, हमें रोमेनोवेस्की स्टेन से हमें इसे स्टेन करना है। जब हम इसे स्टेन करेंगे तो किस तरह से दिखाई देगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी हाइलिन शीथ की। ठीक है, इसकी जो हाइलिन शीथ होती है वो कैसी दिखाई देती है, तो देट आर स्ट्रक्चरलेस, इसकी जो हाइलिन शीथ होती है मतलब ऊपर की कवरिंग प्रेजेंट हो रही है, आउटर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम हाइलिन शीथ। ठीक है, तो ये जो हाइलिन शीथ होती है इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, इसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, यानी कि ये क्या है, आउटर कवरिंग है, जैसे कि हम लोग को कवर करने के लिए हमारे बॉडी पर क्लॉथ्स प्रेजेंट होते हैं, हम कपड़े पहनते हैं। ठीक है, वैसे ये जो माइक्रोफाइलेरिया होता है इसको कवर करने के लिए इसके बॉडी के भारी की ओर प्रेजेंट होती है शीथ, जो कि एम्ब्रियो को पूरी तरह से कवर करती है, तो ये स्ट्रक्चर लेस होती है, इसका कोई पार्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, ये पूरे एम्ब्रियो को, इसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है, दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, इसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट है, और ऊपर क्या है, इसमें आउटर कवरिंग इसकी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो शीथ होती है वो एम्ब्रियो को कवर करके रखने का वर्क करती है। ये इस एम्ब्रियो 290 mm का अगर एम्ब्रियो है तो उसके कंपेरिजन में ये लॉन्ग होती है। ठीक है, जैसे 290 का एम्ब्रियो है तो ये 310, 340, 350 तक की एसी होगी, यानी एम्ब्रियो के कंपेरिजन में ये बड़ी होती है। ठीक है, बड़ी इसलिए होती है ताकि इसके अंदर एम्ब्रियो जो है, जो हमारा लार्वा है, वो इजीली रह सके, आगे और पीछे की ओर मूवमेंट कर सके, बैकवर्ड मूवमेंट एंड फॉरवर्ड मूवमेंट इजीली हो, यानी आगे पीछे मूवमेंट कर सके, इसके लिए इसकी जो हमारी हाइलिन शीथ होती है, सॉरी हमारी नहीं, फाइलेरिया की हाइलिन शीथ होती है वो कैसी होती है, बड़ी होती है। ठीक है, अब हम इसकी क्यूटिकुलस की बात कर लेते हैं, तो ये कैसी होती है, सब क्यूटिकुलर सेल्स होती है। ठीक है, क्या होता है ये, इसमें सब क्यूटिकुलर सेल्स प्रेजेंट होती है, इसमें सोमैटिक सेल्स और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसके अंदर छोटे छोटे से डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हेड एंड में भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और टेल एंड में भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इतना पोर्शन, ऊपर का जो पोर्शन है ये खाली दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, इसके कारण हम इसे बोलते हैं सेफेलिक स्पेस, जहाँ पर जो ग्रैन्यूल्स है वो प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट नहीं होने के कारण क्या बोलते हैं हम इसे, सेफेलिक स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद यहाँ पर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें यहाँ पर नर्व रिंग प्रेजेंट होती है, ये नर्व रिंग NR लिखा हुआ है। ठीक है, यानी क्या है, यहाँ पर नर्व रिंग्स प्रेजेंट होती है। देन आगे चल के जाएँ तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी पोर और एक्सक्रीटरी सेल प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऐसा हमारा एम्ब्रियो प्रेजेंट है। ठीक है, और उसके बाद किस तरह से, इस तरह से हमने कुछ डॉट डॉट करके स्ट्रक्चर बनाया, मतलब यहाँ पर ये जो सेल है ये क्या होता है, नर्व सेल हो गई, और ये जो छेद है वो नर्व पोर सॉरी एक्सक्रीटरी पोर हो गए, और ये जो सेल है वो एक्सक्रीटरी सेल हो गई। ठीक है, तो ये एक्सक्रीटरी सेल और
एक्सक्रीटरी पोर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन आगे हम चलें तो इसमें नर्व रिंग प्रेजेंट होती है जो कि एंटीरियर वन थर्ड ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इसमें एक्सक्रीटरी पोर हमारे प्रेजेंट हैं जो क्या है मिडिल बॉडी में, और नर्व रिंग वन थर्ड बॉडी का वन थर्ड पार्ट है और ये क्या हो गया मिडिल पार्ट। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी पोर एक्सक्रीटरी सेल बॉडी के मिडिल में प्रेजेंट होती है और नर्व रिंग बॉडी के वन थर्ड पार्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बाद जेनाइटल सेल्स प्रेजेंट होती है इसमें, तो जेनाइटल सेल्स यहाँ पर हमारी ये जेनाइटल सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट जेनाइटल सेल है जिसे क्या बोला GC1 सेल बोलते हैं। GC1 सेल्स जो होती है वो बॉडी के, ये हमारा एंटीरियर पोर्शन हो गया, ये हमारा पोस्टीरियर पोर्शन हो गया, तो पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट में हमारे जेनाइटल सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, आगे चलें तो हम यहाँ पर दिखाई दे रही 1 2 3, तो फर्स्ट तो यहाँ हो गई, सेकंड थर्ड और फोर्थ यानी 2 3 और 4 सेल जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर एंड में यानी टेल एंड के नियरली प्रेजेंट होते हैं, उसके फ्रंट में प्रेजेंट होती हैं। देन यहाँ पर बहुत सारे छोटे 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 से ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और उसमें कुछ बड़े बड़े ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट हैं। छोटे छोटे और बड़े बड़े ग्रेन्यूल एक साथ सभी जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और एक कचरे जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं तब हम उसको बोलते हैं इनर कॉर्पल। ठीक है, इनर कॉर्पल हम इसे कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे एक्सक्रीटरी सेल्स और हमारे जेनाइटल सेल्स प्रेजेंट होती है। अब जहाँ पर इनर कॉर्पल प्रेजेंट होता है वहाँ पर रिडिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होती है जो कि फुल्ली डेवलप्ड नहीं होती है ना, नॉट डेवलप्ड होती है ये। उसके बाद ये जो हमारा माइक्रोफाइलेरिया होता है इसके ये जो माइक्रोफाइलेरिया ह्यूमन बींग के अंदर जाता है तो उसका जीवन काल कितना होता है, उसकी लाइफ स्पेन, तो इसकी लाइफ स्पेन जो होती है वो 70 दिन की होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, हम इसकी लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं। तो जो लाइफ साइकिल होती है इसकी फाइलेरिया की लाइफ साइकिल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करेगा, तो डेफिनेटिव होस्ट कौन होता है, इंटरमीडिएट होस्ट कौन होता है। डेफिनेटिव होस्ट मतलब किसके अंदर इन्फेक्शन रहने वाला है लॉन्ग टाइम तक। ठीक है, तो वो रहता है हमारे मैन के अंदर। ठीक है, मैन में मेल भी है हमारे और फीमेल भी है, दोनों की ही बात हो रही है। ठीक है, मैन में ओनली मेल की बात नहीं होती। ओके, उसके बाद ये हमारा जो माइक्रोफाइलेरिया होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो माइक्रोफाइलेरिया हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में कौन प्रेजेंट होगा, तो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है जो कि अभी हमने देखा है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं माइक्रोफाइलेरिया, फाइलेरिया बैंकॉफ्ट फाइलेरिया और माइक्रोफाइलेरिया, इन सभी नाम से हम फाइलेरिया को जानते हैं। देन जो फाइलेरिया होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो होस्ट होता है इंटरमीडिएट होस्ट कौन से होते हैं, मतलब इन्फेक्शन को लेके आने वाले, इन्फेक्शन को फैलाने वाले होस्ट कौन से होते हैं, तो उसमें होता है हमारा मॉस्किटो यानी कि मच्छर। मच्छर में कौन सा बताया हमने आपको अभी बताया, जैसे ग्यूलीस है, एडीस है, एनाफ्लीज है, ये सभी जो कैटेगरीज होती हैं ये सभी मॉस्किटो के जीनस होते हैं और ये सभी जो डिसीज़ को ट्रांसमिट करने के लिए कैपेबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या बात कर लेते हैं इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हमारा ये स्पीसीज आएगा कि किसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, तो ट्रांसमिट होते हैं हमारे फीमेल एडिस ग्यूलिस और एनाफिलिस की थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, अब ये इन साइट ऑफ एंट्री कौन सी होती है, यानी कि मच्छर आके काटेगा तो कहाँ काटेगा, तो सबसे पहले कहाँ काटता है, वो हमारे स्किन के ऊपर काटता है, तो साइट ऑफ एंट्री कौन सी हो गई, हमारी स्किन हो गई है ना। साइट ऑफ लोकेशन कौन सी हो गई, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम, और इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है उसका 1 से 10 साल का होता है। ठीक है, और फाइलेरिया से क्वेज होने वाली बीमारी को हम फाइलेरियासिस कहते हैं। ठीक है, और फाइलेरिया जब होता है तो इसमें क्या होता है, हमारी स्किन के ऊपर पैचेस बन जाते हैं, हमारी स्किन के ऊपर धब्बे बन जाते हैं। अब फाइलेरिया जो है उसकी हम लाइफ साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं, तो जनरली इसका जो एडल्ट वॉर्म होता है, ठीक है, क्या होता है इसका एडल्ट वॉर्म होता है, वो एडल्ट वॉर्म क्या करता है, हमारे प्रेजेंट होता है हमारे लिम्फैटिक सिस्टम के अंदर। एडल्ट वॉर्म हमारे लिम्फैटिक सिस्टम में प्रेजेंट होगा, किसके लिम्फैटिक सिस्टम में, तो ह्यूमन के लिम्फैटिक सिस्टम में वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये एडल्ट वॉर्म है मच्छर के काटने से ह्यूमन बींग में यानी इंसानों के लिम्फेटिक सिस्टम में पहुंच गया। ठीक है, वहां पर मेल भी प्रेजेंट होगा, फीमेल भी प्रेजेंट होगा, तो मेल फीमेल को फर्टाइल करेगा। ठीक है, क्या करा, मेल ने फीमेल को फर्टाइल कर दिया। ठीक है, और फीमेल क्या हो गई, फीमेल ग्रेविड हो गई।
ठीक है, जो फीमेल थी हमारी वो कैसी हो गई, ग्रेविड, यानी कि फीमेल जो थी मॉस्किटो की फीमेल एडिस ग्यूलियस एनाफिलिस प्रजाति की वो प्रेग्नेंट हो गई। ठीक है, अब प्रेग्नेंट हो गई तो वो क्या करेगी, ग्रेविड फीमेल है तो वो क्या करती है, माइक्रोफाइलेरिया को ब्लड स्ट्रीम में ले डाउन करती है, यानी कि वो लार्वा ले डाउन करती है, यानी कि किसका डेवलपमेंट करती है, वो लार्वा का। अब वो लार्वा कहाँ जाता है, आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है, कहाँ पर चला जाएगा वो, हमारा लार्वा हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। ठीक है, उसके बाद ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद जो मॉस्किटो है, मॉस्किटो आएगा हमको बाइट करेगा, मॉस्किटो ने आके हमको बाइट करा तो क्या करा, माइक्रोफाइलेरिया ले लिया। अब वो जो माइक्रोफाइलेरिया था वो किसके अंदर चला गया, मॉस्किटो के अंदर चला गया। ठीक है, अब मॉस्किटो के अंदर क्या होता है, उसका डेवलपमेंट होता है, मतलब डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है उसका, माइक्रोफाइलेरिया के अंदर। ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है मॉस्किटो के अंदर। ठीक है, अब जो डेवलपमेंट होता है तो माइक्रोफाइलेरिया जो होता है, माइक्रोफाइलेरिया इन्फेक्टिव फॉर्म होती है, और ये इन्फेक्टिव फॉर्म किस में डेवलप्ड हो रही है, मच्छर के अंदर, यानी कि उस मॉस्किटो के अंदर डेवलप्ड हो रही है। फिर जब पूरी ये फॉर्म डेवलप्ड हो चुकी होती है तो वो मॉस्किटो आता है, मॉस्किटो आने के बाद क्या करता है, अगेन ह्यूमन को बाइट करता है। ठीक है, अगेन ह्यूमन को क्या करा उसने, बाइट कर लिया। फिर बाइट करा तो वो जो क्या करा था, जो मच्छर आया था, मच्छर ने हमको काटा था, उसके अंदर हमारा माइक्रोफाइलेरिया डेवलप्ड हो चुका है। अब वो मच्छर आके वापस से हमको काटेगा और क्या करेगा, वो जो माइक्रोफाइलेरिया है उसको हमारी लिम्फेटिक सिस्टम में वापस से लाकर छोड़ देगा। ठीक है, फिर वो जो फाइलेरिया है हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम में गया है, लिम्फेटिक सिस्टम में जाने के बाद वो क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, सेटल डाउन हो गया, सेटल डाउन होने के बाद क्या होगा, वहाँ पर हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या करता है, ये डेवलपमेंट करता है। ठीक है, डेवलपमेंट करेगा किसका होगा, एडल्ट वॉर्म का डेवलपमेंट होता है, और फिर ये लाइफ साइकिल ऐसे रिस्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो माइक्रोफाइलेरिया है, माइक्रोफाइलेरिया की जो फीमेल होती है वो ग्रेविड होती है, ग्रेविड होने के बाद वो फाइलेरिया को डिस्चार्ज करती है, फिर वापस से क्या होता है, लार्वा आता है और हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में इन्फेक्शन कॉज करता है। इसमें 5 से लेकर 18 महीने तक का टाइम लग जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे, हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे लैब डायग्नोसिस की। तो लैब डायग्नोसिस हम दो तरह से करते हैं, एक डायरेक्ट एग्जामिनेशन होता है, एक इनडायरेक्ट एग्जामिनेशन होता है। डायरेक्ट एग्जामिनेशन में हम माइक्रोफाइलेरिया को एग्जामिन करते हैं स्टैनिंग के थ्रू, या एक्सरे कर लेंगे, या हम बायोप्सी करेंगे, और इनडायरेक्ट में ब्लड काउंटिंग करते हैं, इओसिनोफिल काउंट, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होती है उन सभी को डिटेक्ट करना होता है। ठीक है, इतना समझ में आया प्रीति?